नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन शिंदे, इंफेक्शियस डिजीज एंड एचआईवी स्पेशलिस्ट, पोखर हॉस्पिटल, नागपुर। आज वर्ल्ड एड्स डे है। आज के दिन का महत्व ये है कि आज के दिन हम कोशिश करते हैं कि सारे लोगों तक एचआईवी के बारे में हम पहुँचे, उसका अवेयरनेस, बीमारी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, लोगों को कितना उसके बारे में एजुकेट कर सकते हैं, हम बताएं। आज का जो एचआईवी एपिडेमिक है वो सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन पे रुका नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं उनको नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी एचआईवी होता है। तो ये नॉन सेक्सुअल जो रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसका बहुत काफ़ी उसका महत्व है। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो नीडल्स होती है, सिरिंजेस होती है, उसका अगर सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो उससे ही एचआईवी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी, इस तरीके की बीमारियां फैलती है। इसके अलावा हम कोई कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक में जाते हैं, डेंटल क्लिनिक में जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस होती है उस प्रैक्टिसेस से भी हमको संसर्ग हो सकता है अगर सही उसमें फॉलो नहीं किया जा सके। उसके अलावा जो बायोमेडिकल सेग्रीगेशन होता है वो अगर ढंग से नहीं होता है तो उसमें भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण एचआईवी या दूसरी जो बीमारियाँ वो फैल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये दूसरे ट्रांसमिशन के रूट्स है एचआईवी के, इसके बारे में सोचा जाए, इसके बारे में पब्लिक में और जो हमारे कलीग्स है, हेल्थ केयर फील्ड है, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, उनको इसके बारे में जागरूकता रहे। धन्यवाद।